हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अटल हूँ का ट्रेलर नंबर 2 आ चुका है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से ये ट्रेलर देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इन 3 2 1 हियर वी गो। जिस सुख समृद्धि की हम कल्पना करते हैं, ये सिनेमा वाले उसे दिखा देते हैं। पर्दे पर जो हमें दृश्य दिखता है, हम उसे मान लेते हैं। ऐसा ही एक पर्दा सिनेमाघरों के बाहर है, जो इस देश के भोले भाले नागरिकों के आंखों के सामने लगा हुआ है। उन्हें जो दिखाओ वो सच मान लेते हैं। अटल बाबू, किसी गोरसे नाम के आदमी ने बाबू की हत्या कर दी है। ये खबर भी चारों तरफ फैली हुई है कि ये गोरसे कुछ दिनों के लिए संघ में भी था। हम जब भी कुछ था। देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर जनता को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये हिंदू पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है। अब क्या चाहते हैं? एक माँ और उसके बेटे ने भारत माँ और उनके बच्चों को जो प्रताड़ना दी है, जो पीड़ा दी है, अब समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतार कर धरती पे लाने का। कांग्रेचुलेशंस सर, अवर पोकरन टेस्ट इज सक्सेसफुल। एटम बम का जवाब क्या है? एटम बम का जवाब एटम बम है, और कोई जवाब नहीं। दिल्ली और लाहौर के बीच ये बस यात्रा, ये तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है। बीपी सिंह की सरकार गिरनी चाहिए। विरोधी पूछ रहे हैं ना, कार सेवा क्यों होनी चाहिए? मैं बताऊंगा, सभा का आयोजन करो, मैं आऊंगा अयोध्या। पाकिस्तान को सूचित कर दे, भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए। भारत माता की जय। ये हुआ ना ट्रेलर भाई, ट्रेलर 1 भी अच्छा था, लेकिन इसको देखने के बाद डेफिनेटली ये कह सकता हूँ ट्रेलर 2 काफ़ी बेहतर था पहले वाले के। और इसमें काफ़ी हद तक हमें दिखाया गया कि कौन कौन से इवेंट्स को कवर करेगी ये मूवी। पोखरान, कारगिल वॉर, राम जन्मभूमि एक्सेट्रा। भाई पंकज त्रिपाठी कितने कमाल के एक्टर है, काफ़ी बेहतरीन मूवी होने वाली है ये। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी एज सून एज पॉसिबल। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। एंड काफ़ी कमाल के नेता थे वो, और पोएट भी थे। तो ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, और मूवी है 2 घंटे 25 मिनट की, अच्छा खासा डिसेंट का रन टाइम है इस मूवी का। थोड़ा और लंबी हो सकती थी आई थिंक, क्योंकि काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और म्यूजिक करीम सुलेमान का है, तो मुझे बहुत अंडररेटेड डुओ लगता है ये डुओ, और काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर लग रहा था इस ट्रेलर में भी, और पहला वाला जो ट्रेलर आया था उसमें भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी कई नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, सिंगर्स भी, सोनू निगम, कैलाश के, जुबिन नौटियाल, अरमान मलिक, श्रेया घोषाल, पीयूष मिश्रा, मतलब कोई भी छोटा नाम नहीं है। काफ़ी मज़ा आने वाला है ये मूवी देखने में, और 19 तारीख को ये मूवी आ रही है। आप लोग कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें। और हम मिलते रहेंगे किसी और वीडियो में।